नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़। एडमिशन जारी। आजमगढ़ में एक तरफ लूट तो दूसरी तरफ हत्या से दहला रहा जिला। सभी मामलों में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। ताजा मामला मेनगर थाना क्षेत्र के खेवसीरपुर गांव में नाली के मामूली विवाद का है, जिसको लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर धन उगाही और लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि जिले के मेनगर थाना क्षेत्र के खेवसीपुर गांव में ग्राम समाज की पोखरी में गांव वालों का पानी जाता है। बताया जा रहा है कि महिलाएं नाली की सफाई कर रही थी, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और आपस में हाथापाई करने लगे। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घर पर केवल महिलाएं और बच्चे ही मौजूद थे, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से इस हमले में घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कौशल्या नामक महिला की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस रुपया लेकर विवाद का निस्तारण नहीं करा रही थी। मारपीट के दौरान भी पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन वे घंटों देर से मौके पर पहुंचे। लक्ष्मीकांत यादव कह रहे हैं, आज आपके यहाँ विवाद हुआ है, किस चीज़ का विवाद था और क्या घटना घटी? वो मतलब घर के सामने गांव समाजी पोखरी, उसमें इनकी नाली बहती है और उस पर उन लोगों का जबरदस्ती कब्जा मतलब अतिक्रमण करना चाहते हैं, और वहीं ये लोग सफाई कर रहे थे, उसी के लिए वो लोग मतलब मारपीट किए, और घर पर कोई था नहीं, औरतें थीं और औरतों को इतना ज़्यादा मारे मतलब कि एक लोग तो मर गए, और बाद में मतलब वो लोग आए घर के मतलब सदस्य, और तो उनमें भी उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मारपीट की, और इसके बाद एक जो छोटा लड़का है वो सीरियस हो गया है। एक लोग मरे हैं और घायल तो हैं लगभग चार लोग हैं। अच्छा, और कह रहे हैं कि मौके पर पुलिस आई तो क्या कार्रवाई? नहीं, मौके पर पुलिस नहीं पहुंची थी उसमें। अच्छा, मतलब जब विवाद हो रहा था, सिर्फ मतलब बातें हो रही थी, उसमें फ़ोन हुआ था 100 नंबर पे, लेकिन 100 नंबर बहुत बाद में पहुंची, जब मतलब वहाँ से वो मतलब घायल लोगों को उठाकर जब मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया गया तो उसके बाद पुलिस पहुंची 100 नंबर। अच्छा, एक चीज़ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान भी कई अनियमितता देखने को मिली है, किस जी मिला इलाज जी? लगभग 2 घंटे बाद हमसे मतलब डॉक्टर आकर मिले हैं पेशेंट से, और उसके बाद वो मतलब तुरंत रिफ़र कर दिए, बोले कि हमसे नहीं। मरीज को हम लेकर वहीं मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वो अथवा मिला था। यहाँ से हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस थी, स्ट्रेचर नहीं, हम गोद में ले गए थे यहाँ से। जी जी, पूरा मतलब बाहर तक ले गए। अब यहाँ से वो लखनऊ के लिए रेफर हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि लखनऊ तक अच्छी हो पाएगी, इसलिए हम पहले उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जब मार भर तक 100 नंबर ना ले कुल थाना पैसा जमा कर दे, कैसे 100 नंबर आए ना ले? पुलिस कुछ कही भी ना ही, वो हरदम कुल ना सुनवाई करन, पैसा गांध देना वही अंडित पंडित के लिए कुल लौड़ा पूत। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से महज 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये खेवसीपुर गांव की घटना है मेनगर में, जिसमें एक नाली के पानी के पीछे का विवाद था, जिसमें दोनों पक्ष में आपस में लाठीबाजी हुई है, लाठी चली है, जिससे जो चोट आई है कौशल्या वाइफ ऑफ हरकेश यादव की चोट आई थी, उनको इलाज के लिए यहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था, और एक मोनू यादव पुत्र हरकेश यादव की चोट आई थी, उनका भी जो है उपचार कराया गया है। इसमें संबंधित थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई, वादी से जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके और अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको वाइट में खुद ही बता चुका हूँ कि कौशल्या वाइफ ऑफ हरकेश यादव जो है उपचाराधीन थी, उनकी डेथ हुई है। आज सुबह की घटना है, विवाद मतलब नाली को लेकर विवाद था, उनके जहाँ उनका घोड़ा था उसके पास से नाली का पानी निकल रहा था। नहीं, फायरिंग की बात नहीं आई है, सिर्फ मतलब लाठी और डंडों से मारपीट हुई है। थैंक यू। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।